25/36 लिखा, और ये मैं बोल रहा हूं कि इसका लोवेस्ट टर्म आपको इस फ्रैक्शन का बताना है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, चलिए करके देखते हैं हम लोग। सॉरी, अब ठीक है। तो हम दो चीज कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। एक क्या है कि हम इसको कट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 25 और 36 किसके टेबल में आता है। आप लोग बता सकते हैं किस एक के टेबल में आएगा? और 36 5 में 25 आएगा, 5 के टेबल में 25। ये किसी भी एक नंबर में दोनों नहीं आएगा, ठीक है ना? तो हम इसको इस तरह कट नहीं कर सकते। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, अब 25 का हम फैक्टर लिखेंगे और 36 का फैक्टर लिखेंगे। सब वन से तो कटता ही है, तो पहला फैक्टर हो गया वन। 25 टू से नहीं कटता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, और इसके बाद सीधे 25 से होता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, अगर 36 की बात करें तो ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 18 से जाएगा और सीधे फिर 36 से जाएगा। ठीक है ना, इन्हीं नंबर से डिवाइड होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होता है? देखो, वन ही केवल कॉमन, दोनों में केवल वन ही एक ऐसा नंबर है ना जो आ रहा है, और तो कोई नंबर नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि ये लोवेस्ट टर्म इसका है। ठीक है, मतलब कि इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। समझ में आया बात? आप इसको काट के और छोटा हम कर ही नहीं सकते। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, वेयर इज माय डस्ट। देखो बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि 31/25, इसमें आप दोनों मेथड लगा सकते हो। देखो, ये 7 के टेबल में दोनों कट जाएगा, 7 के टेबल से। आप भी सुनो बेटा, बाद में कर लेना। आप देखो, यहां देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी देखो, बंद कर दो बुक। ये 21 और 35 पता है ना किसी एक के टेबल में आता है, वो नंबर क्या है? 7 है ना। देखो, 7 3 21, 7 5 35, तो इसका लोवेस्ट टर्म 3/5 हो गया, क्योंकि अब 3 और 5 किसी भी एक नंबर के टेबल में नहीं आता, तो कट नहीं सकता। एक तो ये तरीका, सीधे काट करके भी या डिवाइड करके हम दिखा सकते हैं। काट करके इतना छोटा कर दो कि अब डिवाइड ना होता हो, छोड़ दिया, लोवेस्ट टर्म हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, ये देखो आप, 21 किससे जाता है? 1 से, 3 से, 7 से, ठीक है ना, और किससे जाता है बेटा? 21 से। 35 1 से, 3 से, 5 से, 7 से और 35 से। अब कॉमन क्या होगा, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तो ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। इसका लोवेस्ट टर्म नहीं, इसका लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इसको कट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हमने कर ही दिया है, तो इसका लोवेस्ट टर्म ही होगा। तुम अपना ही काम करो, तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या नाम है अवनी आपको? कि कभी भी बेटा कोई नंबर है, अगर है ना, वो उसको डिवाइड करके हम इतना छोटा कर दें कि अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो लोवेस्ट टर्म उसका आ गया। काट करके वो ज्यादा छोटा कर देना। और भी हम एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वीडियो देख के फिर घर पे ट्राई करना। 18/24 अगर कोई नंबर है, आपको पता है ना ये और कट के छोटा हो सकता है, हम 2 से कट करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 9 और 12 किसके टेबल में आता है सौम्या? 9 और 12 किसी एक को, किस एक नंबर के टेबल में आता है दोनों? थ्री के टेबल में आएगा ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप देखो, 3/4 मैंने लिखा, तो 3 और 4 दोनों किसी के एक नंबर के टेबल में नहीं होता,
कहाँ रहती है अभी? आ रहे समझ में? हाँ करो ना, क्या हुआ निकालो। अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा वो देखिए। अगर न्यूमिरेटर एक डिनोमिनेटर इक्वल हो तब तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 1/9, 7/9, 2/9, 5/9 एंड 4/9। मान लो कि ये कोई नंबर, पूरा सीरीज है फ्रैक्शन का। अब यह अलग अलग फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमिरेटर जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो स्मॉल टू बिग होगा, होता है ना छोटे से बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है? ऊपर का नंबर 7, तो 7/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बड़ा क्या है? 5, तो 5/9 हो जाएगा। उसके बाद 4/9, 2/9 एंड 1/9, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, अब अगर बेटा मैं कहूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो ये कैसे होगा देखते हैं। अब आपको पता है कि जो न्यूमिरेटर जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा था, तो सॉरी सॉरी स्मॉल टू असेंडिंग है ना, मैंने उल्टा कर दिया। सबसे छोटा पहले लिखेंगे 1/9, फिर 2/9, फिर 4/9, फिर 5/9, फिर 7/9, ठीक है। सबसे छोटा 1 था, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ये तब होगा, समझ में आ रहा है, ये तब होगा जब डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहे तो जो जितना छोटा ऊपर का न्यूमिरेटर होगा वो उतना ही छोटा है, और जो जितना बड़ा है सिंपल उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें ये था, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है ना, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर, बिग टू स्मॉल। इसमें क्या है? स्मॉल टू बिग, ठीक है ना, और ये होगा आपका बिग टू स्मॉल। और बिग टू स्मॉल कैसे होगा चलिए देखते हैं। बिग टू स्मॉल की बात हो रही है तो सबसे पहले 7/9 लिखेंगे, उसके बाद 5/9 लिखेंगे, 4/9, 2/9 है ना, एंड 1/9। समझ में आया ये वाला? ये आया समझ में? अगर आपको ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्या है ये, कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं बताओ? अगर न्यूमिरेटर सेम हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना, अगर न्यूमिरेटर सेम है तो क्या करेंगे। डिनोमिनेटर सेम था तो सीधा सीधा हिसाब था, जो सबसे बड़ा था, जो सबसे छोटा था छोटा लिख दिया था, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर न्यूमिरेटर मतलब कि ऊपर वाला अगर सेम हो, जैसे कि सब में मैंने 4 कर दिया है, तो क्या करेंगे, तब इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे वो देखिए। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें उल्टा हो जाता है, नीचे का जितना बड़ा होगा ना वो उतना ही छोटा माना जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग में स्मॉल टू बिग होता है या बिग टू स्मॉल? स्मॉल टू बिग होता है ना, ठीक है। मैं यहां बता भी देता हूं, असेंडिंग मतलब बेटा होता है स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग होता है बिग टू स्मॉल। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा है। मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर सबका इक्वल हो, मतलब सब में फोर है ना न्यूमरेटर, तो जो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ स्मॉल टू बिग है, तो सबसे पहले 4/9 लिखेंगे, उसके बाद 4/8 लिखेंगे, उसके बाद 4/6 लिखेंगे, उसके बाद 4/3 और उसके बाद 4/2। मतलब कि सबसे छोटा है ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, है ना, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। एसेंडिंग में बिग टू स्मॉल होता है तो क्या लिखेंगे, 4/2 सबसे पहले लिखेंगे, 4/3 उसके बाद लिखेंगे, 4/6 उसके बाद लिखेंगे, 4/8 लिखेंगे और उसके बाद 4/9 लिख देंगे, हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होगी बेटा, जब न्यूमरेटर सेम होगा, और डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैसे करते हैं मैंने आपको तो बता दिया था, ठीक है। अब एक कंडीशन मिलेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, ऐसे देखो अगर मैं कहूं कि 5/6 और 4/9 है ना, इसको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा, तो भाई ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। वो किस तरह होता है, पहले 5/6 लिखेंगे और फिर 4/9 लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। और जो नीचे वाला है ना, अब ये देखेंगे 6 और 9 के टेबल में, दोनों के 6 और 9 के टेबल में कौन सा नंबर सबसे पहले आता है, दोनों के टेबल में मुझे लगता है 36 आता है ना, 6 6 36, 9 4 36, दोनों के टेबल में 36 आता है ना। तो पहले क्या करेंगे, 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा, 6 से, 6 6 36। तो बेटा मैंने कल रूल बताया था ना, जिससे नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 5 30 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 36 आ गया, ठीक है। 4/9 है तो आप खुद बताओ हम 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 46 आएगा, 9 के टेबल में 46 कब आता है, नहीं आता, 36 कह रहा हूं, 46 कहां कह रहा हूं, 36, 9 4 36 है ना। तो यहां नीचे बेटा 9 4 36 हो गया ना, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 4 से ही करेंगे, तो ऊपर 16 हो गया और नीचे भी 36। अब दोनों को कंपेयर करो, 30 और 36 एक का आया है और दूसरे का आया है 16 और 36। डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वही तो बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा इसका है ना, पहले वाले का, इसका बड़ा है, तो ये इस तरह कंपेयर हो गया, मतलब कि 5/6 बड़ा है। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, तुम कर क्या रहे हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 5 से प्लस कर देंगे, फिर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आता है उसको करेंगे प्लस, नीचे जो डिनोमिनेटर है एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो 6 2 12 प्लस 5 हो गया ना बाय 6, और दूसरा 4 2 क्या होता है बेटा, 8 प्लस 3/4। समय तुम यहां आ जाओ, कहना तुम वहां चले जाओ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 5 होता है 17/6 और ये होता है 11/4। तो दो क्वेश्चन मिल गया ना हमको सॉल्व करके। अब ये क्वेश्चन अगर मिल गया हमें तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो दिखाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि ये दो नंबर 17/6 और 11/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए हम आपको यहां करके दिखा देते हैं इसको, ठीक है, यहां 17/6
और 11 अपॉन 4 है तो 17 अपॉन 6 लिखो, 11 अपॉन 4 लिखो। अब 6 और 4 के टेबल में, दोनों के टेबल में पता है सबसे छोटा नंबर क्या आता है? 12। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, 6 2 जा 12 तो 17 2 जा भी करना पड़ेगा, उसी तरह 4 3 जा 12 तो 11 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 2 जा 34, 6 2 जा 12, 11 3 जा 33, 4 3 जा 12। हमारा क्या क्वेश्चन बन के आया, 34 अपॉन 12 को हम कंपेयर करें 33 अपॉन 12 से, तो तुम बताओ गुड़िया बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? 34 वाला बड़ा है ना, बिल्कुल सही। तो छोटे को तीर मारेगा, तो इसका मतलब अगर हमको कंपेयर करना है तो पता चल गया ना कौन किससे बड़ा है। आया समझ में आप लोग को? नहीं आया? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है? जैसे मैं कहूं कि 3/5, 1/2, ठीक है, 7/10 एंड 5/6। अब देखो ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको देखो बेटा किस तरह से हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। जितना डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला, सौम्या यहाँ देखो बेटा, इस सब का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम का तरीका 5 का, 2, 10 और 6 का। अब पता है ना कि सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 5 नहीं कटेगा, वैसे है का वैसे लिख, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब इसमें से कोई भी 2 से कटने वाला है? नहीं, 5 और 3 कोई भी नहीं कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो पहले 3 लेंगे, 5 नहीं कटा, ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, 3 1 जा 3। अब तो 5 से ही कटेगा ना, 5 1 जा 5, 1 पहले से था, 5 1 जा 5, 1 पहले से था। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कि 2 3 जा 6, 5 जा 30। क्या एलसीएम आ गया बेटा, 30 आ गया ना, ठीक है। अब हमारा जब 30 एलसीएम आ गया तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को हमको 30 बना देना होगा, हमारा काम हो जाएगा। देखो 3 अपॉन 5, 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 10 और 5 अपॉन 6, ये क्वेश्चन है ना। अब बेटा अगर 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा, तो 3 को भी 6 से करना पड़ेगा, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30। उसी तरह अब यहां पर 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 2 में करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30 होता है, तो 1 में भी 15 से करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 15 अपॉन 30। उसी तरह 7 अपॉन 10 है ना, तो 10 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 10 3 जा 30 होता है ना, तो उसी तरह 7 3 जा भी 30 होगा हमारा, ठीक है, तो 7 3 जा 21, 10 3 जा 30। उसी तरह 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 6 5 जा 30 होता है, तो 5 में भी हम 5 से करेंगे, तो 25 अपॉन 30। अब हम कंपेयर कर लेंगे, सारे आ गए ना। अब अगर हम कहें इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए, तो बेटा देखो किस तरह से काम होगा, ध्यान दे, काम करते रहना, जान से मार दूंगा। देखो हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर कहा जाए, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सौम्या, स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल? स्मॉल टू बिग होता है ना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है, सौम्या दीदी ने कहा स्मॉल टू बिग,